हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो देखिए, कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जोरों शोरों से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि राजस्थान में नौकरी की जो है भरमार आने वाली है। ठीक है, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आप लोगों को जो है राजस्थान जीके की बुक्स जो है वो पढ़नी पड़ती हैं। इसीलिए आप लोग तैयारी जो है वो अच्छे से करिए, बहुत डीप में जाकर करिए, ताकि किसी भी एग्ज़ाम को आप फाइट कर सको। राजस्थान में हर एग्ज़ाम में आपके राजस्थान का जीके जो है वह पूछा ही जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राजस्थान का जीके जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मजबूत कर लेना। अब बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो कई एग्ज़ाम रद्द हुए हैं, लेकिन सरकार जो है वो इस चीज़ के लिए बहुत सारे काम कर रही है, नीति जो है वो बना रही है, ताकि जो नकल वगैरह होती थी तो अब वो ना हो। ठीक है, तो नौकरियां जो है वो बहुत सारी आने वाली हैं। आप लोगों का काम है कि अब तैयारी में अच्छे तरीके से जुट जाएं। ठीक है, और जो मेहनत करेंगे उनको सफलता जो है वह मिलकर रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए जो भी आपने लक्ष्य डिसाइड किया है, तो उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर पल जो है वो मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे जो है आपकी जो राह है उस पर डटे रहने की शक्ति मिलती है। तो फुल मोटिवेशन के साथ जो है वो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। पीछे जो कुछ भी हुआ है उन सभी चीज़ों को भूल कर नए सिरे से आप तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि देखिए जिंदगी है ये, जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं। इसका सामना करने के लिए इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहकर ही काम जो है वो करते चले जाना चाहिए। उसके बदले आपको रिजल्ट जो है वो कैसा मिलेगा ये आपको नहीं पता है, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, लाइफ है, और इसमें उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तो इसीलिए ज़िंदगी को क्या कहा गया है, रंगीन कहा गया है, क्योंकि ये हमें जो है वो कई रंग दिखाती है। ऐसे रंग दिखाती है जो हमें पसंद होते हैं, ऐसे रंग भी दिखाती है जो हमें पसंद नहीं होते हैं। तो ये ज़िंदगी ही है जो हमें कभी हंसना सिखाती है, तो कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम रो भी पड़ते हैं। ठीक है, कभी हम हद से ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो कभी बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जी जान से हम मेहनत करते हैं और हमें वो नहीं मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं, मगर हम पहले ही यदि हार मान जाते हैं तो वो ज़्यादा परेशानी वाला विषय हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो मोटिवेट रहना, हौसला बनाए रखना, हिम्मत ना हारना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं, तो देखिए अपने आप को सबसे पहले जो है वो मोटिवेट करिए। पढ़ाई करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद को मोटिवेट करना है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, हमारा काम है मेहनत करना। ठीक है, सफलता जो एक ना एक दिन हर इंसान को मिलती है, हर किसी के दिन आते हैं। तो काम जो है वो ऐसा करो कि एक जो है वो पहचान बन जाए। ठीक है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो ऐसी ही जो सोच के साथ जो है वो आप आगे बढ़ें। तो इन्हीं सब बातों को जो है वो आप अपने दिमाग में, दिल में धारण करें और ये सोच के चलें कि हमारा काम जो है वो क्या है, मेहनत करना, और जिसने मेहनत की है उसे एक न एक दिन सफलता तो मिली ही है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से तैयारी करिए, जिस भी कंपटीशन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं काम करते चलिए, हौसले की उड़ान भरते चलिए। तो चलिए मिलते हैं इसी मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, हम मिलेंगे। थैंक यू।